सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिस एप्लीकेशन में बिना इन्वेस्टमेंट के सोशल मीडिया का पोस्ट एंड वीडियोस या एडिटिंग वगैरह आप इधर से कर सकते हैं। साथ में आप अपने प्रोफेशनल कोई भी जॉब्स का, सपोज कोई भी कंपनी का लोगोस वगैरह, डिजाइन वगैरह या टेम्पलेट्स वगैरह आप इधर से बनवा सकते हो, और ये सारी चीज क्रिएट करने में आपका जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन का नाम है एड बनाओ एप्लीकेशन। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है, तो आप चाहो तो प्ले स्टोर थ्रू डाउनलोड कर सकते हो या तो मेरा वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के शुरू कर लेते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो। इस एप्लीकेशन को आप सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको जो है कि लिंक मिल जाएगा, या तो आप जो है कि प्ले स्टोर थ्रू डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन आपको एलो करना है। एलो करने के बाद नीचे आपको एग्री टू टर्म्स एंड कंटिन्यू, तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इधर मोबाइल नंबर और गूगल से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू कि आप मोबाइल नंबर से ही इधर रजिस्टर प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए इसमें इधर एक मोबाइल नंबर फिल करके मेरा अकाउंट को क्रिएट कर लेता हूं। आपको इधर जो है कि कैटेगरीज, जो है बिजनेस इंडस्ट्री कैटेगरीज आपको चूज करने के लिए बोलेगा। सपोज मैं इधर से जो है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं। इधर आपको काफी सारे जो है कि ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो है कि इधर से आप चूज कर लेना। मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए यूज करूंगा, तो मैं एक ऑप्शन पर टिक लगा के सेट माय इंडस्ट्री एंड कंटिन्यू पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद तुरंत आपको जो है कि 5 वेलकम क्रेडिट्स मिल जाएगा, तो इस क्रेडिट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको सबसे पहला एक काम करना है कि आपको बिजनेस क्रिएट करना है, बिजनेस नेम डालना है। बिजनेस नेम डालने के लिए आपको ये जो मैन वाला लोगो है इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इधर बिजनेस नेम डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर तो ऑलरेडी फिलअप होकर रहेगा। इसके बाद एड्रेस आप फिलअप कर दीजिए, ईमेल, वेबसाइट, प्रोडक्ट एंड टैग लाइन फिल करके आप सेव पर क्लिक कर देना। सेव पर क्लिक करने के बाद एक्सप्लोर लोगो डालने के लिए बताएगा, तो आपको लोगो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर से आप अपने लोगो को भी चूज कर सकते हो। जैसे आप सेव करेंगे आपको ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, आप देख सकते हो ऊपर में साकिब CSP बोल के शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे बिजनेस क्रिएट करने के बाद आप लोगों सामने एप्लीकेशन के नीचे 4 ऑप्शन दिखाई देगा, होम कैटेगरी, क्रिएट एंड भीज कार्ट, देन मेन्यू वाला ऑप्शन, ठीक है। आप इस एप्लीकेशन को बिना कोई इन्वेस्टमेंट में आप यूज कर सकते हो, और अनलिमिटेड इधर से फोटो, वीडियो या अपने बिजनेस प्रोफाइल के लिए जो है कि डिजाइन वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने फोटो भी इधर क्रिएट करके किसी दूसरे दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के सामने अभी जो है कि एक फोटो क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है कि आप इधर क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद क्रिएट टेम्पलेट्स, क्रिएट लोगो, मतलब टेम्पलेट्स भी आप बना सकते हो, लोगो भी, मतलब लोगो का डिजाइन भी आप इधर से क्रिएट कर सकते हो, ट्रेंडिंग स्टेटस, रील स्टेटस भी आप इधर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। काफी सारी और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं आप लोगों सामने एक बार करके दिखा देता हूं। क्रिएट टेम्पलेट्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इधर जो है कि कस्टम पोस्ट के लिए आप कौन सी साइज चूज करना चाहोगी, उसी साइज को आप इधर से चूज कर लेना। फॉर एग्जांपल कि मैं स्क्वायर पोस्ट बनाऊंगा, तो इसमें क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इधर आपको जो है कि ओपन हो गया, देन नीचे आप देख सकते हो टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, ब्रांड इन्फो, स्टिकर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इफेक्ट्स भी है, एलिमेंट्स भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लेना है, तो बैकग्राउंड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो बैकग्राउंड आप इधर से पसंद करना चाहोगे कर सकते हो, ये एप्लीकेशन का बैकग्राउंड है। इधर से मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो, गैलरी से आप अपने जो बैकग्राउंड लगाना चाहते हो आप इधर से लगवा सकते हो, ठीक है। मैं इधर से जो ये वाला एक बैकग्राउंड चूज कर लिया, ठीक है। चूज करने के बाद मेरा ब्रांड इन्फो सबसे पहले मैं डालूंगा, तो ब्रांड इन्फो पे क्लिक करके इधर आप देख सकते हो लोगो वाला ऑप्शन है, ब्रांड बिजनेस नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके बाद सोशल मीडिया है, कंपनी लोगो है, आप जो भी डालना चाहोगे अब इधर डाल सकते हो। मैं लोगो पर क्लिक कर दिया। लोगो पर क्लिक करने के बाद मेरा बिजनेस लोगो ये है, मैं सबसे पहले इधर इसको सेटअप कर दिया, ठीक है। सेटअप करने के बाद आप इधर क्लिक करना, ये जो ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको इधर जो है कि लॉक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो लॉक कर देना। लॉक करने के बाद हटेगा नहीं, ठीक है। बाद स्टिकर पे क्लिक करके जो स्टिकर आप डालना चाहते हो वो स्टिकर आप डाल सकते हो। मैं कैजुअली आपको सामने जो है कि बनवा के दिखा देता हूं। इसके बाद आप इधर से और कोई एलिमेंट्स इधर ऐड करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, बहुत आसान तरीका से इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे सक्सेसफुली सब कुछ आप बस क्रिएट कर लेंगे या बना लेंगे, देन आपको इसको सेव करना है। सबसे पहले डाउनलोड पे क्लिक करके इसको सबसे पहले डाउनलोड करना है। और आप सिर्फ जो है कि क्रिएट करके हर बार बनाओ कि ऐसा नहीं है, आप इधर से होम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी पसंद होगा आप इधर से आप बनवा सकते हो, या कैटेगरी ऑप्शन पे क्लिक करके जो है कि आप इधर से आप अपने मर्जी से जो है कि कैटेगरी चूज कर सकते हो। कैटेगरी चूज करके आप इधर से एडिट कर सकते हैं। सपोज आप देख सकते हो कि मैं ए वाला होम लोन पे क्लिक कर दिया हूं। क्लिक करने के बाद एडिट वाला जो ऑप्शन आप देख सकते हो, एडिट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब जो भी चेंज करना चाहिए
सपोज मैं इसको डिलीट करा देना चाहता हूँ, तो डिलीट करके मैं मेरा नंबर भी इधर डाल सकता हूँ, इधर से आप सेव भी ले सकते हो, सेव लेके भी आप इधर किधर भी सेट कर सकते हो। ठीक है, आप खुद से जो है कि इधर आप क्रिएट कर सकते हो फोटो या वीडियो स्टेटस वगैरह, या तो आप इधर जो कंपनी आपको कोई भी इमेज वगैरह का सैंपल दिखा रहा है आप उसी सैंपल पे क्लिक करके भी आप खुद से एडिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा अच्छा चीज ये लगा कि आपको, आप जब भी साइन अप प्रोसेस कंप्लीट किया हो ना, तब आपको 5 credits मिला है, तो उसी क्रेडिट के जरिए जो है कि आप इधर फ्री में जो है कि टेम्पलेट्स वगैरह, लोगोस वगैरह, डिज़ाइन या वीडियोस वगैरह आप बनवा सकते हो, और इस एप्लीकेशन का कोई भी वाटर मार्क नहीं रहेगा। आप बिल्कुल जो है कि फ्रेश एक जो है कि इमेज बना सकते हो या वीडियो क्रिएट कर सकते हो या लोगो वगैरह डिज़ाइन वगैरह जो है कि मतलब प्रोफेशनल एट्रैक्टिव टाइप्स का जो है कि आप कुछ भी इधर से बनवा सकते हो। ठीक है, कोई भी वाटर मार्क नहीं रहेगा। इसके बाद और एक ऑप्शन है, आप देख सकते हो वीज कार्ड बोल के, तो वीज कार्ड पे क्लिक करके आप इधर जो है कि प्रोफेशनल टाइप्स का कोई भी कार्ड क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आप क्लिकेबल विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हो, इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी कार्ड आप इधर से बनवा सकते हो। तो गाइस यही था एप्लीकेशन और कुछ नहीं है, और ये एप्लीकेशन यूज करके मैं तो बहुत मजा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही फायदा हो रहा है एप्लीकेशन यूज करने में। तो आप भी इस एप्लीकेशन का जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जरूर आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, साथ हमीदी जी जाजा, तब के लिए गुड बाय, टेक केयर।